तो कैसे करेंगे ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले ये चीज़ प्रूव करनी है ये कैसे होगा देखिएगा। हम यहाँ पर वही काम करेंगे कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने की बजाय, ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स निकालने की बजाय यहाँ डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे। उसका रीज़न क्या है, हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहले मुझे प्रूव करना है कि ये होमोजेनियस है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि होमोजेनियस होगी तभी तो प्रूव कर पाऊंगा, और होमोजेनियस होगी होमोजीनियस में हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू vx। बैठो भाई, सोच क्या रहे हो, आराम से आराम से। तो होमोजीनियस जो है, होमोजीनियस में हम y इज इक्वल टू vx लेकर चलते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू vx लेकर चलते हैं होमोजीनियस में। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं y अपॉन x करूंगा y upon x v के बराबर आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, x upon y, x upon y, ठीक है। जब x upon y दे रखा है तो हमें क्या करना होगा, y is equal to vx मानने की बजाय x is equal to vy मानकर चलेंगे, ठीक है, x is equal to vy मानकर चलेंगे ताकि x upon y की वैल्यू v आ जाए, समझ गए। तो अगर कहीं पर आपको y upon x, जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल था तो उसमें मुझे y upon x लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक, तो वहाँ पर तो y is equal to vx मानेंगे, यहाँ पर मुझे x upon y दिख रहा है तो मैं x is equal to vy मानकर चलूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप ये समझिएगा कि इसलिए मुझे यहाँ पर dy by dx ना निकाल कर मुझे यहाँ dx by dy निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 2y into e की पावर x y dx, ये हो गया, और dy वाले को उधर दे दो तो ये हो जाएगा माइनस का y माइनस 2x into e की पावर x upon y into dy, ये हो गया ना। अब क्या करिए, इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2y into e की पावर x upon y dx इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x into e की पावर x upon y माइनस y और dy। हमने ऐसे कर दिया। अब क्या करेंगे कि हमने dy को इस तरफ ले आए, तो dy वाई को इस तरह ले आया कि हमारे पास बन गया dx एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 2x इंटू e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन, हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। तो अब इसको नीचे ले आओ तो ये हो गया 2y इंटू e की पावर x अपॉन y, ये हो गया, और जैसे ही dx एक्स बाई डी वाई निकला तो dx एक्स बाई डी वाई निकलते ही मैं इसको एफ एक्स वाई के बराबर मान लूँगा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब प्रूव करने के लिए कि ये होमोजीनियस है आप क्या निकालेंगे, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। तो अब आप ये करिएगा कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, ये जो डी एक्स बाई डी वाई की ये जो वैल्यू आई है इसको मैंने एफ एक्स वाई माना है, तो जहाँ पर एक्स दिखाई दे वहाँ लैम्डा एक्स लगा दो, जहाँ पर वाई दिखाई दे वहाँ पर लैम्डा वाई, ठीक। तो टू लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई, ठीक, ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब आइए डिनोमिनेटर पे, तो 2 इंटू वाई की जगह लैम्डा वाई इंटू ई की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट और इधर भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, और न्यूमरेटर में 2 लैम्डा इंटू दिस ये दे रखा है तो इधर भी लैम्डा है इधर भी लैम्डा है, तो न्यूमरेटर में लैम्डा निकाला बाहर, तो ये बचा 2x इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई, ठीक है, और अपॉन में 2 लैम्डा वाई इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई, तो लैम्डा से लैम्डा कट, क्या बचा 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन 2y e की पावर x अपॉन y, ये बचा। और ये रिलेशन ये किसके बराबर है, ये एफ एक्स वाई के ही तो इक्वल है, इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है। जो बच्चे अभी अभी आए हैं मैं दोबारा बता देता हूँ कि वैसे तो हम होमोजीनियस में y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, ठीक,
तो उससे मुझे क्या समझ में आता है कि v की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन x, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से y अपॉन x ना देकर x अपॉन y, x अपॉन y दे रखा है, तो समझ जाना कि जब x अपॉन y वाली टर्म सीधा सीधा दिखाई दे तो मुझे dy by dx ना निकाल कर dx by dy निकालना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने dx by dy निकाला है ऊपर, ठीक। अच्छा, अब होमोजीनियस तो ये हो गई, यहाँ पर लिखिएगा कि ये जो f लैम्बडा x लैम्बडा y ये जो आया है एफ एक्स वाई के इक्वल, सो इट इज अ होमोजीनियस डीई सिंस f लैम्बडा x कॉमा लैम्बडा y इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, सो इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए जैसे हम y इज इक्वल टू वी एक्स मानते थे, यहाँ उल्टा करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई, तो x इज इक्वल टू वी वाई, अब क्या करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो गया डी एक्स बाई डी वाई is equal to पहले v as it is, फिर y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यानी कि dy by dy plus फिर y as it is और v को y के रिस्पेक्ट में यानी कि dv by dy, तो dx by dy is equal to क्या हो गया v plus y dv by dy, समझ गए। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो dx by dy dx by dy is equal to x को x ही रहने दो, नहीं x की जगह आप vy रखेंगे, x की जगह vy रखेंगे हर जगह जो हमने अज्यूम करा है, ठीक है। तो 2 x की जगह क्या आ गया vy, ठीक है, और e की पावर x अपॉन y, भाई क्या लिया x इज इक्वल टू vy लिया, तो x अपॉन y तो v के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब सीधा सीधा e की पावर v, ये हो गया e की पावर v माइनस y रहेगा y के जैसा ही, y तो y के ही इक्वल होगा और अपॉन में y तो y ही रहेगा 2y e की पावर v, ये हो गया। तो यहाँ से क्या दिखा कि समझ गए ना इतना, बताओ भाई श्रीजा हाँ मैं रख रहा हूँ, हाँ रखना भूल गया था, तो आप ये देखिए ये dx by dy हो गया, अब मैं इधर का ये मिटा रहा हूँ पोर्शन, अब देखिएगा ये है dx by dy, सॉरी dx by dy की वैल्यू डालिए सीधे v प्लस y dv by dy, ये हो गया dx by dy, और इस तरफ न्यूमरेटर में भी y है, इधर y निकालो और पीछे भी y है, तो हमने y दे दिया न्यूमरेटर से कॉमन, तो क्या बचा 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2y e की पावर v, y से y कैंसिल आउट हो गया, अब क्या करिए ये जो v है इसको इधर ले आओ, तो y इंटू dv बाई dy इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 इंटू e की पावर v माइनस वी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करिए इधर एलसीएम लेकर, वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू टू वी ई की पावर बी माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू वी ई की पावर बी अपॉन टू इंटू ई की पावर बी, तो इस टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया,
y dv by dy is equal to minus 1 upon 2 e की पावर v, इतना हो गया। अब आप y को अलग ले जाओ और v वाली टर्म को अलग कर दो, तो क्या होगा, अगर मैं y अपॉन dy को इस तरफ ले जाऊंगा तो dy अपॉन y हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 e की पावर v dv is equal to dy upon y, ठीक है। अच्छा dy upon y, अच्छा इधर माइनस का साइन है, इसको इधर ला सकते हैं, इधर ले, ठीक है, चाहो तो इधर रख दो, मर्जी मर्जी आप, यहीं रह सकते, कोई बात नहीं। अच्छा ये चीज़ ध्यान रहे कि कहीं भी ना आप लोग खुद कंफ्यूज ना हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे मैंने dv और dy को अलग अलग करा है, तो हमें एक चीज़ पर ध्यान देना है कि हमें dv भी न्यूमरेटर में चाहिए और dy भी न्यूमरेटर में चाहिए, ठीक है ना। तो dy को इधर न्यूमरेटर में लाने के लिए यहाँ पहुँचा दिया इस तरह से, और फिर जब y है, y वाली चीज़ तो जाएगी ही dy की तरफ, ठीक है, v वाली चीज़ तो जाएगी ही dv की तरफ, तो dv न्यूमरेटर में है ही, तो इसको यहाँ छोड़ दिया, 2 into e की पावर v इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जी क्या करना है, ये हो गया हमारे पास, हम इंटीग्रेट करिए सीधा, और दोनों ही तरफ बेहद आसान टर्म्स हैं तो इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मुझे ये बता दीजिए ये होमोजीनियस वाला कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा, सभी में एक जैसे स्टेप्स हैं, सेम स्टेप्स हैं सभी में, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। तो ये देखिएगा जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन 2 e की पावर v dv is equal to minus integration dy upon y, ठीक है ना। अब जरा देखिए, बस इसमें अगर कुछ भी चीज़ मुश्किल लगी तो बस वही लगेगी कि अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप भूल गए, ठीक, वहीं पर दिक्कत आएगी। तो इंटीग्रेशन आप डिवाइस करके रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा चुपकियों। देखिए अब यहाँ पर टू तो कॉन्स्टेंट है, अब e की पावर x dx होता है तो उसका इंटीग्रल e की पावर x e की पावर v dv मतलब e की पावर v, तो ये क्या हो गया e की पावर v, ठीक, और टू तो बाहर था ही, इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड y प्लस कॉन्स्टेंट टू, ये कुछ और बोलो सेवा को, अरे वो लेने कोई फायदा नहीं होगा, सी ले लो, ठीक है, और टू ई के पावर वी को क्या बोलेंगे अब, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड वाई प्लस सी। अब इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर वन तो वो थी ना जो डी एक्स बाई डी वाई निकाला था, अब इसको क्यों बोला, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है। अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है भाई, जरा देखिए, वो बोल रहे हैं गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो वन वाई इज इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू 0 होगी जब y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो हम ये कहेंगे 2 e की पावर x की वैल्यू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस log 1 प्लस c। ये याद रख लेना भाई log 1 0 होता है, ठीक है, तो log 1 हमारा 0 हो गया और e की पावर 0 एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, है ना, तो 2 into 1 यानी कि 2 बचा, ये खत्म हो गया, 0 हो गया, c की वैल्यू 2 आ गई, देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डी ई मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या, इक्वेशन की वैल्यू डालिए 2 e की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस log mod y प्लस 2, ठीक है भाई, क्लियर, आंसर देख लीजिए आप, यही है 2 e की पावर x अपॉन y प्लस log y कर दिया इन्होंने, माइनस log y को उधर ले आए प्लस log y इज इक्वल टू 2। अच्छा जी एग्जांपल नंबर 18 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 18 में क्या है कि शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy ऑन इट इज, देखिए मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए ये क्वेश्चन, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करी जा रही है, तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स डिलीटेड है, तो टेंजेंट का क्वेश्चन देकर कोई एग्जामिनर पंगे तो लेगा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत आसान सी बात है, अगर किसी भी टेंजेंट का स्लोप निकालने की बात करी जाती है तो वो dy / dx के इक्वल होता है, ठीक है ना, तो अगर कहीं पर भी बोला है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो मतलब समझ लो कि dy / dx ने रखा है, बस इतना है। तो इसके लिए मतलब कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन इट इज दिस, तो हम ये कहेंगे एग्जांपल नंबर 18 पर आइए,
मेरे को कल रात में बहुत लेट तक क्लास लेनी पड़ गई थी, और फिर मेरी हिम्मत नहीं थी सुबह उठने की, इस वजह से मैंने आज की सुबह की आपकी क्लास कैंसिल कर दी। और कल फिर संडे है तो मुझे लगता है कि थोड़ा आराम से रख लेंगे आप। अच्छा हाँ, आपकी क्लास की अच्छा कल नहीं है, अच्छा कल नहीं है, कल नहीं है तो फिर मैं अपने हिसाब से बुला लूँ, बता दो ना किस टाइम बुलाना। हाँ वो ये तो ये कह रहा 12 से पहले ऐसे ही बुलाना, 11 बजे कर लो, 11:50 में आरडी से भी निकलूंगी, कुछ भी करती हूँ, 10 बजे कर लो, 10 बजे 7:50 से 11:50 अब मैं तो सुबह ही जाऊंगी, 10 बजे क्लास लेकर 10 बजे क्लास लेकर, हमें तो 12 बजे पहले क्लास होगी तो मैं आ जाऊंगी, मैं नहीं, और अगर 12 बजे होगी तो नहीं कर पाऊंगी, नहीं ऑनलाइन नहीं से, मैं 12:30 कर लो ये तो अटक करना, 12:30 में चलेगा है ना, तुम फिर वीडियो देख लो, बाकी सबको 12:30 में कंफर्टेबल है क्या है अब। अरे 12th के बच्चों को कहीं नहीं जाना होता, 12th के बच्चों को कहीं नहीं जाना होता, बात को समझो, 10 बजे रख लो ना, 12:30 वाले बच्चे, ज्यादा बच्चे नहीं आते, 10 वाले में से बताओ, 10 बजे रख लो फिर तुम्हारा ही रहेगा, है ना, बाकी सब तो आ जाएंगे, 10 बजे बाकी सब, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं तो लेट राइजर हूं, नहीं लेट भी सोता लेट हूं ना, 3 बजे तक पढ़ता हूं, तो फिर तो उठोगे भी लेट, पर 10 बजे तो आ जाओगे, हां 1 घंटा पढ़ के फिर वापस नहीं आना, आ जाना 9 बजे, चलो मैं फोन करके उठा दूंगा, नहीं अगर मैसेज डालो तो मम्मी तो उठाए देंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 18 देखते हैं, इसमें इन्होंने दे रखा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ऑनलाइन वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है ना, सुबह 10 बजे में बोली हुई नहीं सर। चलिए और बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी तीनों ये ऑनलाइन में, बाकी तीनों है भी कि नहीं, दिकुंज की आवाज आई बस, अवंतिका नव्या शरण्या सुबह 10 बजे रख लो मैथ्स की क्लास, चलो जी ठीक है। एग्जांपल नंबर 18 देखिएगा, विनोद है, वी नो दैट स्लोप ऑफ अ टेंजेंट is tangent का slope क्या होता है भाई, dy by dx, और वो क्या दे रखा है, ये दिया है x square plus y square upon 2xy, x square plus y square upon 2xy, तो ये तो हमारा हो गया tangent का slope, dy by dx होता है, ठीक है, is given by show that the family of curves for which the slope of the tangent at any point is given by x square minus y square is equal to cx, ठीक, family of curves के बारे में बताना है, family of curves का मतलब क्या है कि भाई कोई भी curve हो हमारे पास, मान लीजिए parabola है, मान लीजिए hyperbola है, circle है, इनकी equation होती है ना, तो वो equation पूछ रहे हैं, और किसी भी ये मैं इस वजह से ये चीज़ मैं इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या है ना कि question देखा और question देखा, एक मिनट के लिए ये assume करो कि आपने differential equation वाला chapter नहीं खोल रखा है। एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़िए, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट दिस इज दिस इज गिवन बाय x। सर ये तो 11th का क्वेश्चन दे दिया मेरे को, 12th का नहीं है, गलत आ गया है ना, एकदम से दिमाग पे यही आएगा ना, ये तो 11th का दे दिया सर, ये फैमिली ऑफ कर्व्स वगैरह 11th में छोड़ा है और तब भी सिलेबस में नहीं था, मुझे नहीं आता क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि आपको शो करना है कि फैमिली ऑफ कर्व्स ये दे रही है, आपको प्रूव करना है ना x square minus y square is equal to cx, तो समझ लो dy by dx है उसका सॉल्यूशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करूँगा, नहीं हो रहे, dy के साथ 2xy, ये x अपने आप चिपक कर आ जाएगा, ठीक है ना, और इसके साथ में ये x square plus y square है, तो एक बार को मुझे लगता है कि चलो x को तो इस तरफ मैं ले जाऊँ, लेकिन फिर इधर x square plus y square है, नहीं हो पाएगा, सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करिए
फटाफट से पहले तो प्रूव करके देख लो कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये है ना, इसको एफ एक्स वाई के इक्वल मान लिया, एफ एक्स वाई के इक्वल मान लिया, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अभी क्या करना है, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। क्या क्या हो गया, क्या हो मुझे कैसे, मुझे कुछ और सुनाई नहीं दिया था। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो ये बचा एक्स स्क्वायर, मुझे सुनाई दिया था, मुझे नहीं पता, मुझे ये सुनाई दिया था, मुझे नहीं पता। अब ये है टू लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई, इसका मतलब एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इसके इक्वल आ गया, एफ एक्स वाई के इक्वल, सो इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है कि हाँ सीधा सीधा आप क्या करें, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो अब तो ये याद ही है dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx, इस वैल्यू को वहाँ पर डाल दो इक्वेशन नंबर वन में, और dy by dx की जगह क्या आ गया v प्लस x dv by dx, और dy by dx इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह वी एक्स अपॉन टू एक्स, और वाई की जगह अगेन वी एक्स, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा वन प्लस वी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है ही टू एक्स स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस वी को उधर ले गए, प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू वी माइनस वी, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर अपॉन टू वी, ठीक है। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये एक्स अपॉन डी एक्स को चीख चीख कर कह रहा है कि मैं लॉग एक्स बनना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उधर जाकर डी एक्स बाई डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये बड़ा शरीफ है। अब इसको देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी, ठीक है, तो x अपॉन डी एक्स उधर जाकर उल्टा हो जाएगा डी एक्स वाई एक्स, और ये इधर आएगा तो टू वी ऊपर आ गया, है ना, और नीचे आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर, और डी वी इज इक्वल टू डी एक्स वाई एक्स, ये हो गया। अब क्या करना है कि जो अभी इंटीग्रेशन करने से पहले एक काम करो, हमें पहले से ही पता है ना कि 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रल डिफरेंशियल अगर करेंगे तो माइनस टू वी हो जाएगा, ठीक है, वो माइनस कॉमन लेकर उसको उधर भेज दो कि भाई तू उधर जा, ठीक है, परेशान मत कर। तो यहाँ पर मतलब देख रहे हो ना डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला ही एग्जांपल कैसा था, जो विश्वास उठा दे मैथ्स पर से मुझे नहीं करना, ठीक है, और आगे के सारे आसान आसान नजर आएंगे। सर ऐसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कई बार होता है ऐसा, ये इनको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, कुछ क्वेश्चंस का बस सीक्वेंस बदल दो आगे पीछे कर दो। खैर यहाँ से माइनस ले लो कॉमन, तो टू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन, माइनस कॉमन ले लिया इधर माइनस आ गया, इज इक्वल टू, और हाँ सॉरी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, और इसी स्टेप में शॉर्टकट मारो माइनस को इधर भेज दिया, ठीक है ना, यहीं पर माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दिया, कर लेंगे ना, ठीक है। अब क्या करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
integrating both sides. So integration of 2v upon v square minus 1 dv is equal to minus integration dx upon x. अब देखिएगा भाई, ये वाला तो सीधा सीधा है ना कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लेकर करा भी था ये काम. तो ये हो जाएगा लॉग मॉड वी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग मॉड सी. क्यों ले रहा हूँ अब लॉग कॉन्स्टेंट में, लॉग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सब जगह लॉग ही लॉग है. तो अब क्या करिए, इधर हो गया log mod v square minus 1 is equal to ये log c minus log x है, तो क्या हो जाएगा log c upon x, log a minus log b क्या होता है, log a upon b, ठीक. अब इधर भी log गायब कर दो, v square minus 1 is equal to c upon x, अब v की वैल्यू डालो, v की वैल्यू क्या थी, हाँ minus वो तो गया माइनस, log a minus log b, log a upon b तो log c upon h हो गया, ठीक है. अच्छा b क्या है भाई, y upon x, ठीक है. तो ये हो गया y square upon x square minus 1 is equal to c upon x, ठीक. अब चाहो तो और कर लो सिंपलीफाई, कि y square minus x square upon x square c upon x. प्रूफ क्या करना था, ये देखो, जब x square minus y square is equal to cx, जैसे ये दिखाई दे जाने की भाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, मुझे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए था, तो तभी पलटी मार देना, इधर सी वन, इधर सी वन, इधर सी वन, सी वन, सी वन कर दिया, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन एक्स आ गया, ठीक है. अब क्या करना, लेट सी वन इज इक्वल टू माइनस सी, लेट्स सी वन इज इक्वल टू माइनस सी हो गया काम, ठीक है. तो ये हमको करना होगा जहां पर भी प्रूव कर रहे हैं, भाई कांस्टेंट है, मैं तो नेगेटिव मान रहा हूं कांस्टेंट को. यहां ये कहिएगा कि लेट सी वन इज इक्वल टू माइनस सी, और इधर नेगेटिव कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हाँ और क्या भाई, कांस्टेंट है, पहले c1 माना था मैंने, फिर फाइनली मैंने कह दिया नहीं, c1 माइनस c के इक्वल करो, प्लस माइनस c के लिए क्योंकि माइनस, क्योंकि प्रूव करना है मेरे को, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू c. हां जी बोलिए सर, जो थे मतलब आपने बोला है तब भी यही आता, तब भी यही आता, क्योंकि होता क्या कि तब हमारा नेगेटिव टर्म ना बेटा इधर आ जाता, अगर मैं वो कॉमन ना लेता तो माइनस का लॉग वी स्क्वायर माइनस वन आता, ठीक है, और इधर प्लस का होता, तो ये जो डिवाइड हो रहे हैं डिवाइड में ना आकर ये फिर मल्टीप्लाई में आ जाते, लॉग एक्स प्लस लॉग सी वन, तो सी वन और एक्स मल्टीप्लाई हो जाते तब, वो तब भी यही आता. इसलिए ये तो छोटा सा ट्रिक है, ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, जहाँ पर भी प्रूव करना है. अगर प्रूव ना करना होता तो मैं इसको यही छोड़ देता, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स लिख देता, ठीक है ना. क्या बोल रहे थे, अगर इसको क्या नाम है, लॉग सी एक्स आता है यहाँ पे, हाँ, तो फिर भी हो जाएगा. अच्छा, अगर इस तरफ लॉग सी एक्स आता है, मतलब मैं नेगेटिव इधर शिफ्ट ना करूँ, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा, करके देख लो. हाँ जी, तो मैंने सी वन को बोल दिया माइनस सी, तो ये हो गया माइनस सी एक्स, और माइनस से कट गया माइनस, और हो गया ये, हो गया प्रूफ. मोगेम्बो खुश हो गया, जानते हो मोगेम्बो को, नहीं. अच्छा चलिए जी, तो एक्सरसाइज 9.5 जो है, एक्सरसाइज 9.5 में मैं आपको बताता हूँ, क्या बताऊँ, सारे क्वेश्चन कर लोगे क्या. अच्छा पहला नहीं हुआ, हो गया. अच्छा, और आपने ट्राई करा, कोई क्वेश्चन अटका हो तो बताओ, बेहद आसान है, यही सेम स्टेप है. देखो लेंथी तो है, क्वेश्चंस लेंथी तो है, लेकिन अटकेगा नहीं कोई क्वेश्चन, जहाँ पर अटके सिर्फ वो जगह बता देना, सर इधर अटका हूँ, तो मैं वहीं पर आपको बता दूंगा कि हाँ जी ये वाली चीज है, ये ऐसे करते हैं. अच्छा भेजा था, देखो बताओ. हाँ जी बोलिए, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही हुआ, अभी करा रहा हूँ.
दो मिनट हो गए बस। हाँ जी, हाँ भेजा तुमने क्वेश्चन सेवंथ सिक्स। हाँ, ई लॉग अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तुमने लिखा है हाउ विल वी सॉल्व क्वेश्चन सेवंथ वन। हाँ सेवंथ, मतलब सिक्स्थ वाला ही है। अरे तो हो जाना चाहिए था। अरे एक बात तो सुनो, ये पागल बनाने के लिए दे रखा है। e की पावर log log root x। हाँ। e की पावर log का मतलब log का एंटी log ले रहे हो, मतलब root x upon x है ये। बस। और root x upon x क्या हो गया? 1 upon root x, x की पावर minus 1 by 2। मतलब e की पावर log जो है वो क्या है? e की पावर में किसी चीज को रखने का मतलब है कि आप उसका एंटी log ले रहे हैं। हाँ, तो अगर आपके पास ना कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए e की पावर log x, तो समझ लो आपको उलझाने के लिए ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है? x, इसका मतलब x है। ठीक है, इसी तरह से उल्टा सोचो कि log log e की पावर x, ये भी x, ये भी x। अगर e की पावर में कुछ भी दे रखा है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप log x का एंटी log ले रहे हैं, log का एंटी log ले रहे हो, तो वो x ही तो आएगा, log से एंटी log खत्म हो गया। क्यों आ जाएगा? log root x है, 1 upon root x आएगा। अरे सर, log root x का हो गया 1 by log root x का हो गया 1 upon root x। हाँ, फिर root x का हुआ 1 by 2 root x। ठीक, तो फिर root x root x x बन गया। क्या बोल रहे थे शुभंगी? नेगेटिव कॉमन लेकर देखो, यही वाला जो क्वेश्चन है ना, x square minus y square is equal to cx जो है, इस वाले में हम ये कह रहे हैं कि नेगेटिव को वहाँ नहीं भेज रहे, नेगेटिव को यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो जरा मैं यहाँ से एक बार दोबारा करके दिखा रहा हूँ। ये वाला तो ऐसा है ही, अब इसको इधर ले आओ। इसको मैंने ऐसे कह दिया कि माइनस टू वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग वी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग लॉग मॉड सी वन। अब क्या करें? माइनस लॉग वी स्क्वायर माइनस वन, माइनस लॉग आ रहा है और इधर प्लस का है, तो ये तो हो गया लॉग एक्स इनटू सी वन। ठीक है, और जब भी कभी माइनस लॉग होता है ना, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लॉग वन माइनस लॉग वी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू लॉग सी वन एक्स। ये समझ गए मैंने ऐसे क्यों लिखा है? जब भी कभी हमारे पास सिर्फ देखिए क्या है कि यहाँ पर ना माइनस लॉग था, तो माइनस लॉग है तो मैं लॉग से लॉग नहीं काट सकता कि मैं लॉग से लॉग काटूँ और यहाँ माइनस लिखूँ। ठीक, क्या करेंगे? जब माइनस लॉग लिखा होगा मतलब तो मुझे प्लस का ही लॉग चाहिए दोनों तरफ काटने के लिए, तो उसको मुझे क्या करना होगा कि अगर कहीं पर भी माइनस टू लिखा हुआ है तो मैं माइनस टू को क्या लिख सकता हूँ? जीरो माइनस टू और लॉग वन जीरो होता है, तो मैंने log 1 माइनस ये टर्म लिख दिया। सही है ना? अब ये करने से क्या होगा कि log a माइनस log b का फॉर्मूला log a अपॉन b लग जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो गया? log 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 log log और इज इक्वल टू log c1 x। इधर भी log कैंसिल आउट खत्म। अरे प्लस माइनस में कंफ्यूज मत हो, कहाँ देख रहे हो सॉल्यूशन? बता रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीका, छोड़ो ना प्लस माइनस के तरीके। वैसे जब हम मॉड लगाते हैं तभी आता है प्लस माइनस, मॉड के अंदर वाली टर्म अगर फिक्स्ड है
अगर मुझे मालूम है नेगेटिव टर्म है तो रिजल्ट उसका पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर मॉड के अंदर एक्स वाई कुछ भी लिख रहा है और मैं मॉड हटाना चाहता हूँ तो फिर प्लस माइनस दोनों तरह से लॉग और मॉड दोनों हटाया। नहीं हाँ, मैंने दोनों तरफ ना लॉग लेकर आया हूँ ना पॉजिटिव आ रहा है, अब लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर दो, खत्म करो बस, है ना। और फिर मॉड जो है मॉड अपने आप ही हट जाएगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो ये हो जाएगा 1 upon v square minus 1 is equal to c1x, और ये जो v square है ये क्या हो जाएगा y square upon x square। तो ये हमारा तारणहार है c1, क्योंकि ये जो है अगर जरूरत पड़ी तो इसको मैं प्लस ही ले लूँगा, जरूरत पड़ी तो माइनस ही ले लूँगा, प्रूव करना है बस। y square minus x square, y square upon x square minus 1 is equal to c1x। करो जी LCM, 1 upon क्या सीधा लिख दो x square upon y square minus x square is equal to c1x। हाँ, और क्या करें, x से एक x cancel out कर दो, अब इस c1 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, x upon c1 is equal to y square minus x square, ठीक है। तो भाई minus common लेना ही पड़ेगा, x upon c1 is equal to minus common ले लिया तो x square minus y square, और फिर minus 1 upon c1 into x is equal to minus का x square minus y square minus upon, नहीं समझे। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया और फिर माइनस को इधर ले गया तो माइनस 1 upon c1 minus 1 upon c1 को c1 तो cx is equal to x square minus y। और क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखो ना, मैंने जो पहली एक्सरसाइज, दूसरी जो एक्सरसाइज करी थी उसमें c को उन्होंने कभी तो लॉग मान लिया, कभी e की पावर c मान लिया, तो वो अपने हिसाब से मान रहे हैं। अब क्या है कि आप भी अपने हिसाब से मान सकते हो, तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये प्रूव करने के लिए कह रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी ना, वही करना है यहाँ पर। आप पहले उसको c1 मान लो और उसके बाद जैसा उनको चाहिए आप ये कह दो, अब मैंने जो मैंने करा था उसमें मैंने c1 को माइनस c माना, और जो इसके हिसाब से मैंने बोला c इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन c1, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रूव करना है वो आना चाहिए, गलत बिल्कुल नहीं है, एक भी स्टेप गलत नहीं, समझ गए। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आप बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं इधर से मिटा रहा हूँ, वो शरण्या को डाउट आ रहा है, मैं करा देता हूँ उनको। क्वेश्चन नंबर 1 अब यहां पर आप देख लीजिए कि dy और dx ना पहले से ही इन्होंने अलग कर रखे हैं, लेकिन dy के साथ x वाली टर्म, y वाली टर्म सब आ रही है, मिक्सचर आ रहा है। मुझे तो dy के साथ सिर्फ y चाहिए होता है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, इधर dx के साथ मुझे सिर्फ x चाहिए होता है, इधर y भी आ रहा है। भाई साहब, इनको स्प्लिट करने का कोई तरीका नहीं है, सेपरेट करने का तरीका नहीं है, तो क्या करो, dy by dx निकालो। dy by dx, ये dx इधर आया और dy के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो डिनोमिनेटर में, तो x square plus y square upon x square plus xy, ठीक है। इसको करते रहना, होमोजीनियस प्रूव कर देना अपने आप, एफ एक्स वाई, है ना। अब आप क्या करें, लेट y इज इक्वल टू ई एक्स, y को वी एक्स मान लिया आपने, और फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस x dv by dx, कितना हो गया। उसके बाद ये तो हो गया v प्लस
एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इधर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दो और वाई स्क्वायर को रहने दो वी स्क्वायर प्लस एक्स वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर विल रिमेन एक्स स्क्वायर और ये एक्स और वाई की जगह क्या हो जाएगा वी एक्स। v plus x dv by dx, numerator से x square निकाला, common क्या बचा? 1 plus v square, denominator में इधर भी x square है, नीचे बचेगा 1 plus v, तो x square भी आ जाएगा, 1 plus v, ये cancel out, अब v को उस तरफ ले जाओ, x dv by dx is equal to 1 plus v square upon 1 plus v minus v, हाँ जी कर डालो जरा मल्टीप्लाई इसको, क्या होगा x dv by dx 1 minus v upon 1 plus v square minus, जब v से मल्टीप्लाई होगा v, तो v minus v minus v square upon 1 plus v, और कुछ कर रहा है क्या, v square से v square कट गया, तो अब dv तो इधर न्यूमरेटर में है ही ना, तो 1 plus v को इधर ले आओ और 1 minus v को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा 1 plus v upon 1 minus v into dv, और इधर क्या चला गया dx by x, तो ये बताइए ना कैसे होगा ये plus 1 minus v, ये क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट कर दो पहले, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, प्लस वी है प्लस माइनस वी कर देंगे 1 माइनस 1 प्लस ऐसे कर दूं 1 माइनस वी बताओ और कोई तरीका हो तो प्लस और माइनस में इधर के भी माइनस कॉमन साइन उल्टे हो जाएंगे 1 प्लस वी मैंने प्लस 1 करा और माइनस 1 करा 1 minus v साथ करके भी minus common निकाल लो तो साइन कर देंगे ठीक 1 minus v dv इधर को हो गया हमारे पास log mod x plus अभी चलो c1 ही ले लेंगे पता नहीं है क्या जरूरत है लेकिन तो यहाँ से हम करेंगे integration 1 plus 1 तो हो गया 2 उनको लिखो बाद में e माइनस वन को पहले लिखो माइनस ले लिया कॉमन नीचे कर दो जी स्प्लिट माइनस इंटीग्रेशन वी माइनस वन अपॉन वी माइनस वन और माइनस इंटीग्रेशन टू अपॉन v माइनस वन dv ठीक है इससे ये कैंसिल आउट हो गया log mod x plus c तो हमें हमारे को दिख रहा है ये आ गया हमारे पास माइनस वन और जब मैं वन को इंटीग्रेट करूंगा dv लिख देती है तो ये आ जाएगा माइनस का v और ये माइनस है टू कांस्टेंट है वन अपॉन v माइनस वन का log mod v माइनस वन और इज इक्वल टू log mod x plus 1 कर लोगे अपने आप आगे शर्मिया कर लोगे v की जगह y अपॉन x रख देना बस ठीक है कल सुबह मिलते हैं 10 बजे और ये निपटा कर आना होमोजीनियस मेरे को लीनियर करवानी है कल करवानी नहीं है खत्म करवानी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है फिर 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को प्री बोर्ड पूरा कंप्लीट सिलेबस है ना ठीक है करवा दूंगा।